कितना बढ़िया मंदिर बना रखा है यहाँ पे। देखो मंदिर में 5 पत्थर भी रखे हैं, मतलब कि 5 देवता रखे हैं हम लोगों ने। दूध हमेशा होता रहे और जानवर हमारे ब्याते रहें और दूध की कमी ना हो, और ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर से बच्चे हमारे यहाँ होते रहें कि हमारे ग्वाले और हमारे जानवर जो है सही सलामत रहें और हमारे यहाँ जो है दूध की कमी ना हो। तो इसलिए जो है भगवान देवता की पूजा की जाती है। भगवान देवता और लोहाकान देवता को जो है हल्दी का ही पीछे। अच्छा, अभी जो है ना पुजारी जी जो है मंदिर की पूजा कर रहे हैं और इसके बाद पुजारी जी जो है नाम सुनाएंगे। जब भी मैं घर में व्लॉग बनाता ना, तो जब तक मैं मम्मी को व्लॉग में नहीं लेता हूँ तो मुझे चैन जैसा नहीं आता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। और देखिए आप लोग, आज मौसम कितना मस्त हो रहा है और हल्की हल्की जो है ना धुंध भी आ रही है पहाड़ों पे, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है ठंड भी बढ़ रही है। और 21 तारीख को हमारी चनेली हुई थी, तो ठीक है 11 दिन बाद आज उसका नामकरण है। नामकरण उसका कुछ स्पेशल तरीके से है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नामकरण में हमने उसके अपने गांव के लोग भी बुला रहे हैं, कुछ खास खास लोग, तो सब लोगों को जो है हम लोगों ने निमंत्रण वगैरह दिया हुआ है। तो ये है हमारी देवली और इसी के बच्चे का आज नामकरण है। और आज हमने बकरियां जो है ना इधर साइड पे शिफ्ट कर दी हैं, और आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी छोटी देवली की बच्ची के पास। तो ये है हमारी चनुली। वैसे इसका नाम अभी नामकरण हुआ तो नहीं है, बट मैंने इसका नाम ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि इसके माथे पे देखो एक बिंदा है वाइट कलर का, तो इसलिए मैंने इसका नाम चनुली रख दिया था। और इसके लिए यहाँ पर हमने बना रखा है मंदिर। तो यह है भगवान देवता का मंदिर। तो आज जो है ना हमारी चनुली की भगवान पूजा है। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया मंदिर बना रखा है। यहाँ पर देखो मंदिर में 5 पत्थर भी रखे हैं, मतलब कि 5 देवता रखे हैं हम लोगों ने। और ये देखिए ऊपर से कपड़े से छोप रखा है इसको। हमारी चनुली का नामकरण है और भगवान पूजा है, तो भगवान पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं। तो ये देखिए, ये है आज की भगवान पूजा के लिए हमारे पास बकरा, और यहाँ पर कुछ तैयारियाँ स्टार्ट हो रही हैं। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लकड़ी वाली रसोई पे, और यहाँ पर जो है ना नामकरण की तैयारियाँ चल रही हैं। और यहाँ पे आज के हमारे पुजारी हैं अज्जू भाई। अज्जू भाई इधर देख, ये हैं आज के हमारे पंडित जी, सॉरी। तो अज्जू भाई हमारे पंडित जी हैं, और हमारे लालूचा हैं आज के पुजारी। तो पुजारी जी जो है ना पंडित जी को गाइड कर रहे हैं, और पंडित जी देखो नामकरण के लिए पूरियाँ और पकौड़े और तोपे बोलते हैं इनको, और तोपे बन रहे हैं। और यहाँ पर हमारी चाची जो है आटा गूंद रही है पूरी के लिए। तो आज के हमारे गाइडर हैं अज्जू भाई, पंडित जी बने हैं, और चाचा हमारे पुजारी बने हैं। तो अज्जू भाई को बता रहे हैं हमारे चाचा कि कैसे क्या करना है। तो अब इनको जो है बैठा लेंगे मंदिर पे, भगवान देवता के मंदिर पे, और वहाँ पे ये थोरी का जो है नामकरण करेंगे। पकवान वगैरह तो बन गया है, और अब जो है भगवान देवता की पूजा हो रही है, और सारे जो हमने देवता रखे हैं उन पर उनको दूध से नहलाया जा रहा है। मंत्र भी पढ़ो यार पुजारी जी। अड़ंग बड़ंग मत कहो यार। अभी जो है ना पुजारी जी जो है मंदिर की पूजा कर रहे हैं, और इसके बाद पुजारी जी जो है नाम सुनाएंगे। और नाम क्या सुनाएंगे पुजारी जी, वो उन्हीं को पता होगा। और अभी जो है पूजा कंप्लीट हो रही है, और जितने भी हमने देवता बना रखे हैं उन लोगों को जो है पिठियाँ लगाया जा रहा है। और पिठिया काई का बनता चाचा? हल्दी का ना, इसमें वो नहीं बनता ना, हल्दी का बनता है। हल्दी का, हाँ। तो बाजार वाला पिठिया जो है ना नहीं चलता, भगवान जी को नहीं लगता है, तो भगवान जी के लिए जो पिठिया लगाते हैं वो लगाते हैं हल्दी का। भगवान देवता और लोहाकान देवता को जो है हल्दी का ही पिठिया। अच्छा, बाजार वाला नहीं लगता है, मतलब बाजार वाला लगता है भगवान के यहाँ, मतलब मीठा नहीं चलता है यहाँ। अच्छा, और वो गोकुल चला ना, गोकुल। अभी हमारे पुजारी जो है जी जो है ना नए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो गाइड करने के लिए जो है यहाँ पे हमारे चाचा जी आ रखे हैं। तो पत्ते लाओ चाचा जी। भगवान पूजा को क्यों पूजा, मतलब भगवान देवता को क्यों पूजा जाता है?
ध्यान देता हूँ यार, हमें ऐसा मिलते रहे, गोकुल हमारे यहाँ होते रहे, दही दूध घी हमको ऐसे जैसे गाय बच्चों को पालते हैं तो इनके लिए उनको खुश साल भर में बकर देनी माननी। अच्छा, कि हमारे पहाड़ी रिवाज में पहाड़ी रिवाज भी हमारी पहाड़ी रिवाज में सब करना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये इसलिए पूछा जाता होगा कि हमारे जानवर जो है सही सलामत रहे, सलामत रहे और अच्छे से, मतलब हमारे कोई हर चीज में बरकत हो। अच्छा। दे दूध छा जिले भो दुपाई चौपाई ने। हाँ, तो जैसे कि अभी आपको चाचा ने बताया था कि हमारे यहाँ भगवान की पूजा क्यों जब की जाती है, तो भगवान की पूजा हमारे लिए इसलिए की जाती है क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो ग्वाला जाते थे, तो ग्वाला और हमारे जो जानवर थे तो उनके सही सलामत रहने के लिए जो थे है भगवान जी से प्रार्थना की जाती थी कि हमारे ग्वाले और हमारे जानवर जो है सही सलामत रहें और हमारे यहाँ जो है दूध की कमी ना हो, तो इसलिए जो है भगवान देवता की पूजा की जाती है। तो अभी मंदिर की पूजा तो हो गई है और हमारे जो पुजारी जी है ना, सबसे पहले अपने आप को पिठिया लगाएंगे। ये देखो, तो यहाँ पर जो है ना पूजा की तैयारी पूरी हो गई है और यहाँ पर हम लोगों ने जो है कोयले भी मंगा दिए हैं और इस वाले पे जो है ना धूप देने के लिए हम लोगों ने सारे पकवान और पतरी वगैरह सब कुछ चढ़ा रखे और ये अब हमारे पुजारी जी दे रहे हैं धूप। जय हो भगवान देवता की। तो ये दे दी है हमने धूप और भगवान जी से आराधना कर रहे हैं हमारे चाचा जी पुजारी जी और पंडित जी कि हमारे यहाँ ऐसे ही जो है ना दूध हमेशा होता रहे और जानवर हमारे जाते रहें और दूध की कमी ना हो और ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर से बच्चे हमारे यहाँ होते रहें। जोर से बोलो ना, पता भी तो चलना चाहिए, क्या बोल रहे हो? भूल चूल माफ हमसे विद्वान देवता आना रहा, गलती होने बन बना रहा नहन मालिका, हम नर भय जिले भय हम कया बारम्बार मिलते रहो, दे दू छा धुपाई छपाई में बार रहा कठौते हो विद्वान देवता, भूल चूल जिले हो मार। तो चचा जी ने जो भगवान जी से मांगना था वो भी मांग लिया है हमारे लिए। तो अब जो है ना पूजा पाठ होने के बाद जो है अब हमारी चनुली का टाइम आ गया है कि इसका नाम क्या रखा जाएगा और नाम रखेंगे हमारे छोटे से पंडित जी। पाठ होने के बाद जो है ना अब हमारी छोटी सी प्यारी सी थोरी को जो है पिठिया लगाया जा रहा है और अब इसको सुनाएंगे हमारे पंडित जी नाम। तो पंडित जी नाम तो सुनाओ, कान में सुनाते हैं, कान में चनुली। हाँ, तो पंडित जी ने नाम भी सुना दिया है, इसका नाम चनुली रख दिया क्योंकि पंडित जी ने जो है ना मेरे मुंह से सुना था नाम चनुली, तो पंडित जी ने चनुली ही नाम रख दिया इसका। तो आज हमारी ये अब जो है ना परमानेंट के लिए चनुली हो गई। तो अंदर तो जो है ना नामकरण हो गया है और बाहर पर जो है खाने की तैयारी हो रही है और खाने को बनाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे बूबू जी और मामा जी। और भगवान पूजा जो होती है ना वो तो उसमें जो है बकरे की बलि दी जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है इसी बकरे को रखा हुआ है। पूजा पाठ तो पूरी हो गई है और खाने पीने की भी तैयारी पूरी हो गई है। हमारे सभी मेहमानों ने खाना तो खा लिया, लेकिन अब बारी है हमारे पंडित जी और हम लोग बैठे हैं चाचा और यहाँ पे ताऊ जी और अभी हमारे बांटने वाले हैं धीरज भानिज मामा और अन्नु भाई। हम सब लोग जो हैं अभी खाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी सारे मेहमान ने तो हमारे खाना खा लिया है और अब है बर्तन धोने की बारी और सारे मेहमान जी लोग जो है ना यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। तो हमारे घर में पूजा पाठ तो हो गई है ख़त्म और हम लोग हो गए हैं दोबारा से तैयार क्योंकि हमें मार्केट जाना शॉपिंग करने। और मार्केट जाने से पहले जो है ना आपको मैं अपनी मम्मी से मिलाता हूँ क्योंकि जब भी मैं घर में व्लॉग बनाता ना तो जब तक मैं मम्मी को व्लॉग में नहीं लेता हूँ तो मुझे चैन जैसा नहीं आता है। तो ईजा कैसा लगा फिर आज? बढ़िया एकदम बढ़िया। अच्छा चोर बोला जरा सुन पाठ भले लगा। अच्छा, तो ये बताओ थोड़ी नाम किसे तुम पत्ते से? चनुली। तो थोरी का नाम है हमारी चनुली और देखो कितना खुश हो रही है ईजा हमारी। तो यार अभी जो है ना हम लोग तैयार होके जा रहे हैं, मैं और धीरज भानिश और बड़दा अभी अंदर गया है। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने। इस व्लॉग को जो है ना हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।